जब से यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बच्चों को ये पता है कि जेई का जो एग्ज़ाम है, चाहे वो 2016 की बात हो, चाहे एग्ज़ाम 2018 की बात हो, चाहे 2018 के सिलेबस जो अब जारी होने वाला है उस पर चर्चा करने की बात हो, यहाँ तक कि जो यूपी ट्रिपल एस सी के बच्चे बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, पिछले 4 साल से, जिन्होंने 2018 के जो फॉर्म भर रखे थे, आखिर उनका यही बेट था कि उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी, उनके जो एग्ज़ाम है कब कराए जाएंगे, और उसी के अनुरूप वो रोज़ नए नए आंकड़े लगाने के लिए रहते थे कि हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो कब आएगी, और कितने बच्चों ने ये फॉर्म भरा है, और किस ट्रेड में कौन कौन सा कंपटीशन है। तो उसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र कटारिया और आप देख रहे हैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी जो भी बच्चे जूनियर इंजीनियर की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं उन सब का दोस्तों अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं, लेकिन मैं एक ऐसे मास्टर डाटा की तलाश कर रहा हूं, मैं एक ऐसा मास्टर डाटा तैयार कर रहा हूँ। मास्टर डाटा का मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई में अब जो भी नई वैकेंसी आएंगी, उनके लिए उन्हें उस वैकेंसी तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पैट को पास करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि अब से आगे जो भी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं होंगी वो पैट एक माध्यम होगा, पैट के बाद ही आप जेई की परीक्षाएं दे पाएंगे। तो आपके पास चाहे वो 2016 के बच्चे हों, चाहे वो 2018 के बच्चे हों, उनके पास गोल्डन और सुनहरा अवसर है, क्योंकि ऐसा अवसर दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। अगर आप एक एग्ज़ाम निकाल के ले जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की। तो मेरा सभी जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई, चाहे वो 2016 के बच्चे हों, 2018 के बच्चे हों, मेरा उनसे ये कहना है कि आप मेरी 3 बात ज़रूर मान लीजिए। दोस्तों ये वीडियो मैं कोई अपने फ़ायदे के लिए नहीं बना रहा हूँ, आप सबके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी से इसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी जो भी बच्चे मेहनत करेंगे उनको उनकी मेहनत का फल या और उनको जितना उन्हें वेट किया है उसका फल उनको मिलना चाहिए। तो मेरा पहला आपसे सजेशन ये है कि जितने भी बच्चे जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात तो जो भी बच्चे आपके आसपास हों, आपके पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो भी बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे, अगर आप इस जेई की तैयारी करते हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, और एग्ज़ाम डेट जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बिल्कुल हाल फिलहाल में इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी, जो ईडब्ल्यूएस का मैटर था वो भी इस पर अब ख़त्म हो चुका है, तो ये सब चीज़ें तो आप जान गए होंगे। तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ट्रेड वाइज डाटा रहेगा, ट्रेड वाइज का मतलब कि आप सिविल के कितने बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कितने बच्चे हैं, एग्रीकल्चर के कितने बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के कितने बच्चे हैं, ठीक है, और जो कृषि कृषि एग्रीकल्चर वाले ये कितने बच्चे हैं, ये सारा डाटा अगर मेरे पास होगा, लेकिन ये डाटा कब होगा दोस्तों, ये सब आप सभी के सहयोग से होगा, क्योंकि आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो के नीचे आपको सन डालना है कि हमने कौन सा फॉर्म डाला, 2016, उसके बाद आपको डालना है कि हमारी ट्रेड ये है, हमारी ट्रेड मान लीजिए आपकी सिविल है तो सिविल है, ठीक है। उसी के अनुसार दोस्तों फिर मैं आपके लिए एक मास्टर वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कितना कंपटीशन आपका यहाँ पर बैठ रहा है, क्या जो बच्चे एक्चुअल में आपके दिमाग में हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, क्या उन्होंने अब इस कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी है, और क्या इसमें जो एग्ज़ाम का मास्टर प्लान है वो होना चाहिए, उन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा उस वीडियो के माध्यम से। तो मैं इसी ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ केवल इतना ही है, जिससे कि सारे बच्चों तक ये पता चल सके कि कितनी ब्रांच के कितने बच्चे हैं और जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी कैसे कराई जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बस आपसे यही चाहूँगा कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए दमदार धमाका इस यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। तो आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।